सर इस वाक का मकसद क्या है जो है इसकी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने सिविल सोसाइटी के साथ इस वाक का एहतमाम किया है, जिसका बेसिक मकसद अवाम में अवेयरनेस है। पहले तो पतंगबाजी के ख़िलाफ़ कि ये एक खूनी खेल है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत से शहरों में कई मासूम लोगों की जान गई है इस खूनी खेल की वजह से। अटक पुलिस ने इसमें एक वसी पैमाने पर जो है मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, और हमने अब तक तकरीबन 10,000 के करीब पतंगें और कई हज़ार डोरे जो हैं वो बरामद की हैं। पतंगबाजी करने वाले जो सामान तैयार करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई है। बेसिक पर्पज़ ये है कि ऐसा कोई खेल नहीं होना चाहिए जिसमें किसी इंसान की जान का ज़ाया हो या जिसमें नुकसान होता हो। वो कोई खेल नहीं है, वो एक जुर्म है। और आज सिविल सोसाइटी और ये बच्चे हमारे साथ, हम स्कूलों में भी इसका एहतमाम कर रहे हैं, हमने सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके और ख़ासतौर पर बच्चों को ये पता चल सके कि वो इस तरफ ना रहा करता। दूसरा, हमारा मंशियात के साथ भी आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब की भी हदायत है, आई जी पंजाब की हदायत की रोशनी में हमने मंशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन स्टार्ट की हुई है। और सिर्फ इस 2024 में इस तकरीबन 3 महीने हमारे होने वाले हैं, हमने तकरीबन 360 किलो अब तक चर्स और 5 किलो हेरन बरामद की है, और कई जो टॉप 10 और टॉप 20 हमारे मंशियात फरोश थे उनको हमने कैफे के दार तक पहुँचाया है। इस वक्त हमारी ये 2 टॉप प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अटक में आप सबको पता है कि एक भी ऐसा वाकया नाखुशगवार अल्लाह के फजल व करम से नहीं हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम की मदद के साथ साथ हम इसको इंतहाई कामयाबी से इस मुहिम को हम कनार करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो आज रैली निकाली गई है इसका मकसद ये है कि पतंगबाजी अब तफरी नहीं रही बल्कि ये अब एक जुर्म बन चुकी है, और जो भी बच्चे पतंगबाजी करते हुए पकड़े गए उनको ना सिर्फ जो है वो सज़ा होगी, FIR होगी, जेल होगी, और वकला बिरादरी भी डेफिनेटली सिविल सोसाइटी में आते हैं, और सिविल सोसाइटी के मुफाद में ये है कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को रोकें बल्कि ये जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर ये अभी भी कंसेप्ट है कि पतंगबाजी सिर्फ एक तफरी है, तो वहाँ पर ये आगाही पहुँचाएँ कि पतंगबाजी अब एक जुर्म बन चुका है, और जो भी कोई पतंग बेचेगा, उड़ाएगा या केमिकल डोर या जो वो कांच वाली डोर होती है उसका कारोबार करेगा तो उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और ये जो आज रैली निकाली गई है इसमें एक मंशियात की रोकथाम के लिए भी आगाही है कि जो मंशियात है वो हमारी जो जवान नस्ल है उसके तबाह कर रही है, और ऑलरेडी ही हमारे यहाँ जो है वो मंशियात बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है, बेची जा रही हैं या इस्तेमाल की जा रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए हमने आज ये रैली निकाली है।